इस तरीके से हम टेबल बनाते थे अपने बचपन में, और इससे हम लोग सीखते थे नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट 24 बिट्स होती हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर को, कंपनी को, कि ये बेसिकली किस कंपनी की डिवाइस है। लाइक टीपी लिंक का वाईफाई राउटर है, ये बेसिकली पहली 24 बिट्स जो हैं ये उसको रिप्रेजेंट करेगा कि टीपी लिंक ने वाईफाई राउटर बनाने का लाइसेंस लिया हुआ है। तो ये बेसिकली IEEE इसको देता है, जिस कंपनी ने जो डिवाइस बनानी होती है, नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, तो IEEE उसको एक लाइसेंस इशू करता है जिस बिहाफ पे वो फिर बना सकता है। तो पहली 24 बिट्स जो हैं ये मैन्युफैक्चरर के लिए हैं, यानी कि वेंडर आईडी इसको कहा जाता है। 24 बिट्स की ये वेंडर आईडी होती है, जबकि रिमेनिंग 24 बिट्स की ये होस्ट आईडी होती है। होस्ट आईडी मीन के अगर मैं 2 TP-Link राउटर लेकर आया हूं, तो पहली 24 बिट्स दोनों की सेम होंगी, जबकि अगली 24 बिट्स दोनों की डिफरेंट होंगी। वो क्योंकि 2 लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 डिफरेंट होस्ट हैं, तो उस चीज को अलग करने के लिए ये पोर्शन डिफरेंट होगा। तो पहली आईडी वेंडर स्पेसिफिक आईडी है, जो कि वेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि बाकी जो 24 बिट्स हैं, अब इसको अगर मैं कहूँ कि ये हेक्साडेसिमल में क्या बनता है, तो क्योंकि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, तो ये 6-6 का ग्रुप बन जाएगा। मैं यहाँ पे इसको 6HX लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल 12 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, तो मैंने इसको 6-6 का ग्रुप बना दिया। इस चीज को भी याद रखना है कि 48 बिट्स जो हैं ये 24 24 बिट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट 24 बिट्स वेंडर स्पेसिफिक हैं, वेंडर आईडी कहलाती हैं। रिमेनिंग जो 24 बिट्स हैं उनको हम होस्ट आईडी कहते हैं। ये थी, और मैक जो है हमेशा हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक एड्रेस के हवाले से आखिरी चीज, 3 तरह के मैक एड्रेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिकास्ट मैक, एक को हम कहते हैं मल्टीकास्ट मैक, और एक को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट मैक। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट का तो मैंने आप लोगों को पहले आइडिया दिया हुआ है। यूनिकास्ट मीन्स के 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी कि मैं एक स्टूडेंट से अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन यूनिकास्ट है। इसी तरह मल्टीकास्ट मीन कि अगर मैं एक से ज्यादा, यानी कि ग्रुप्स की फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीकास्टिंग कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट मीन्स के मेरी आवाज़ जहां तक भी जा सकती है, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जो अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ कि चंद स्टूडेंट्स मेरी वॉइस सुन सकते हैं, चंद नहीं सुन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनिकास्ट मैक होते हैं, कुछ मल्टीकास्ट होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट मैक होते हैं। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं ये यूनिकास्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी डिवाइस का मैक ही मल्टीकास्ट होता है, ऐसा नहीं होता, या किसी डिवाइस को जो मैक लग के आता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, ऐसा नहीं होता। यूनिकास्ट मैक जो होता है वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी है, वो उस डिवाइस की पहचान है कि लैन के अंदर जब भी आपने कम्युनिकेट करना है तो आप पर्टिकुलरली उस डिवाइस को कैसे पहचानेंगे, वो उसका यूनिकास्ट मैक आपको बताएगा कि ये डिवाइस की आइडेंटिटी ये है। जबकि मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग जो होती है ये एज पर नीड होती है, एज पर सिनेरियो होती है। जैसे मैं अगर अब आप सब से बात करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने आप सब को लेक्चर देना है, मैंने 1-to-1 लेक्चर नहीं देना। तो ये एज पर नीड होते हैं। तो जब भी मेरा मैसेज जो है ये ब्रॉडकास्ट जाएगा, तो बेसिकली उस मैसेज का जो
सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस होता है, यानी कि मैंने तो भेजा है, मैं तो अपनी तरफ से मैं सेंडर हूँ जो कि यूनिकास्ट बंदा हूँ, जब मैं वो भेजूंगा किसी को तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा, रिसीवर एड्रेस जो होगा, वो मैं या ब्रॉडकास्ट लिख दूंगा या मैं मल्टीकास्ट में लिखूंगा, जिससे रिसीव करने वाली डिवाइस पहचानेगी कि ये जो फ्रेम आया है मेरे पास ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, यानी कि ये मैं भी रिसीव करूंगा, मेरे अलावा और लोग भी रिसीव करेंगे, या ये मल्टीकास्ट फ्रेम आया है जो कि मैं रिसीव करूंगा और चंद लोग और रिसीव करेंगे। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट मैक की पहचान क्या होती है कि 12 के 12 हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो एफ 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 होते हैं। दिस इज ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। जब भी मैं ब्रॉडकास्टिंग करूंगा तो रिसीवर एड्रेस के अंदर या डेस्टिनेशन एड्रेस में जो मैक एड्रेस लिखा जाएगा फ्रेम में, वो आपका ये लिखा जाएगा एफ 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 एफ, जो पूरे आपके 12 हेक्साडेसिमल डिजिट बन जाते हैं। इसी तरह जो मल्टीकास्ट एड्रेस लिखा जाता है वो जो आपकी 7th बिट होती है, सॉरी 7th नहीं 8th बिट, 8th बिट यानी कि फर्स्ट लेटर आया मेरे पास सी, फर्स्ट डिजिट यानी कि हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट सी ने ऑक्यूपाई कर ली है, सेकंड डिजिट आया हेक्साडेसिमल डी, 4 बिट्स डी ने भी ऑक्यूपाई कर ली है। इसका मतलब है जो 8th बिट आ रही है वो इस डी में आ रही है, 8वीं बिट जो है वो इस डी के अंदर छुपी हुई है, सी में नहीं है, क्योंकि ये 4 बिट्स इसने ली, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डिजिट आया तो 4 बिट्स इसने भी ली, 8 बिट मुकम्मल हो गई है। हम बात कर रहे हैं 8वीं बिट की। ये जो 8वीं बिट है इसको अगर मैं बाइनरी में लिखता हूँ, यानी कि डी को बाइनरी में लिखूंगा, दैट मीन 13 की बाइनरी लिखनी पड़ेगी, 8, 4, 12, 0 और 1, 13, ये 13 की बाइनरी लिखी गई है। अब इसमें जो 8th बिट है जो कि यहाँ पे 1 है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, ये जो 8वीं बिट है जो कि यहाँ पे 1 है, कलर स्कीम चेंज करते हैं, 1 है, ये 13 की बाइनरी लिखी हुई है जो कि एक्चुअली में ये डी था, इस चीज को बेसिकली जीरो कर दिया जाता है। अगर ये पहले से जीरो हो तो फिर इसको चेंज नहीं किया जाता, अगर ये 1 हो तो उसको जीरो कर दिया जाता है। ये बेसिकली ये इसकी पहचान होती है कि आने वाला जो फ्रेम है वो बेसिकली मल्टीकास्टिंग का है, जबकि यूनिकास्ट के अंदर बेसिकली जो ये वाली आईडी होती है ये 1 रखी जाती है और ये वाली बिट जो है ये हमेशा 1 होती है, यानी कि ये डी ही होगी। डी मीन्स कि आपके पास जो आखिरी 8वीं बिट है वो 1 आएगी, जरूरी नहीं है डी डिजिट हो, क्योंकि आखिर में 1 आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, 9 भी, 11 भी, 13 भी, 15 भी। तो इन और नंबर्स की जब भी आप बाइनरी बनाएंगे तो आपकी 8वीं बिट हम 1 नहीं आएगी, दैट मीन्स कि अगर 8th बिट 1 हो, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, 8th बिट 1 हो तो ये पहचान होती है आपके यूनिकास्ट एड्रेस की, अगर 8th बिट आपके पास 0 हो तो ये पहचान होती है मल्टीकास्टिंग की, अगर ऑल बिट सॉरी ऑल डिजिट जो हैं वो एफ हो जाएं हेक्साडेसिमल के तो ये पहचान होती है ब्रॉडकास्ट मैक की। इस तरीके से हम टेबल बनाते थे अपने बचपन में और इससे हम लोग सीखते थे नंबर सिस्टम, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128।
ओके, ये बेसिकली आता किस तरीके से है, 2 raised to the power 7, ये इस तरह करके आता है, इसी तरीके से 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1 और 2 raised to the power 0. 2 raised to the power 0 equals to 1, 2 raised to the power 1 equals to 2, सिमिलरली ये इस तरह का एक टेबल बन जाता है हमारे पास। तो बेसिकली ये 8-bit रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने अभी बात की थी कि हेक्साडेसिमल डिजिट 4-bit के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर मैंने F15 को यहाँ पे प्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो मैं बेसिकली कैसे लिखूंगा, 4-bit के अंदर क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट 4 bits यानी कि 1, 2, 4, 8 ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यूज करूंगा। तो मैं ये वाली बिट ऑन कर लूंगा, 8 हो जाएगा, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, और 14 plus 1 15। तो हेक्साडेसिमल के जितनी भी काउंटिंग है 0 से लेके 15 तक, ये आपकी 4-bit के अंदर आ जाती है। 0 को करना होगा तो सारे में 0 कर दूंगा चारों बिट्स, 1 करना होगा तो 0001 कर दूंगा, 2 करना होगा तो मैं ये 2 वाली पोजीशनिंग पे बिट ऑन कर लूंगा, बाकी ऑफ कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं कह रहा था कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 bits लेता है, लेकिन आईपी एड्रेस के अंदर एक ऑक्टेट जो है, एक ऑक्टेट मीन 8 bits, 1 byte equals to 8 bits, ये जो 192 लिखा हुआ है ये बेसिकली 8 bits ले रहा है। इसी तरह 168 लिखा हुआ है ये भी 8 bits ले रहा है, 11 लिखा हुआ है ये भी 8 bits ले रहा है, ये 12 लिखा हुआ है ये भी 8 bits ले रहा है। तो आईपी एड्रेस की जो स्कीम है वो इस तरीके से काम करती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 192 बाइनरी के अंदर कैसे जाएगा। 192 को बाइनरी में ले जाने के लिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, क्या 128 192 से छोटा है या इक्वल है, क्योंकि ये छोटा है तो मैं इसको ऑन कर लूंगा। फिर नेक्स्ट पोजीशनिंग पे नंबर आ रहा है 128 के बाद 64, 128 में 64 को ऐड करूंगा, रिजल्ट आता है 192। अब 192 लेस है या इक्वल है, लेस या इक्वल होने की सूरत में मुझे ये पोजीशन ऑन करनी होगी, अदरवाइज अगर ग्रेटर हो जाता है तो मुझे ये पोजीशन ऑफ करनी होगी। अब क्योंकि ये इक्वल हो गया है तो मैंने ये पोजीशन ऑन कर दिया है। अब क्योंकि मैं 192 की ही बाइनरी चाहता था वो मुझे मिल गई है, 128 प्लस 64 दो पोजीशंस ऑन करने से, दो बिट्स ऑन करने से मुझे डिजायर नंबर मिल गया है, तो बाकी जितनी भी पोजीशंस हैं उनको मैं ऑफ कर दूंगा। तो मेरे पास जो कंप्लीट 8-bit बाइनरी बनेगी 192 की, वो बनेगी 1100000, ये 8 bits कंप्लीट होगी। और ये बाइनरी किसकी बनाई है, बेसिकली मैंने 192 की, एक ऑक्टेट की बनाई है। आईपी एड्रेस का जो एक ऑक्टेट है, ये 4 ऑक्टेट होते हैं, टोटल ये 32-bit का एड्रेस होता है। टोटल आपका जो आईपी एड्रेस है ये 32 bits का एड्रेस होता है। जैसे मैक एड्रेस 48-bit का होता है, पोर्ट एड्रेस 16-bit का होता है, इसी तरह आईपी एड्रेस 32 bits का होता है। 8 8-bit के 4 ग्रुप्स होते हैं, हर 8-bit को हम एक ऑक्टेट भी कहते हैं या एक बाइट भी कहते हैं। तो हर ऑक्टेट को हम सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं 168 की बाइनरी की तरफ, कि वो उसकी बाइनरी कैसे होगी।
168 करने के लिए 128 क्योंकि लेस है तो मुझे इसको ऑन करना होगा। नेक्स्ट पे जाता हूं, 64 आता है, जब मैं 64 ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 192, ग्रेटर हो जाता है नंबर, मेरे डिजायर नंबर से ग्रेटर हो जाता है तो मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे इसको ऑफ करना होगा। अब मैं 128 में 64 नहीं ऐड करूंगा बल्कि 32 को ऐड करवाऊंगा, तो जब मैं 128 में 32 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट आता है 160 जो कि लेस है तो मुझे इस पोजीशन को ऑन करना है। 160 का नंबर मैंने अचीव कर लिया है, 160 में जब मैं 16 ऐड करता हूं तो नंबर एक्सीड कर जाता है, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए। 160 में जब मैं 8 ऐड करता हूं तो एग्जैक्टली 168 आ जाता है, इक्वल वाला ऑप्शन आ गया, मुझे ये पोजीशन जो है ये ऑन करनी है क्योंकि मैंने 168 अचीव कर लिया है तो बाकी पोजीशन जो है मैं उनको ऑफ कर सकता हूं। तो दिस इज बाइनरी ऑफ 168।